इस्लामाबाद में पिंडी में एक दिन का वक्त था और एक दिन के वक्त में हमारे पास बेस्ट चॉइस थी अरशद भाई की कुछ डिस्कवर की हुई जगह और वो जगह जो यूजुअली लोगों ने नहीं देखी होंगी क्योंकि इस्लामाबाद या उसके अतराफ़ के इलाके तो बहुत सारे लोग देख लेते हैं लेकिन ये जगह जो है जहाँ पे हमें अरशद भाई लेकर आए हैं ये बहुत कम लोगों ने देखी होगी। ये है तोप मनक्याला का इलाका। ये अरशद भाई और ये आबिद साहब और ये मलक सुबूर साहब जी हमारे खिते पोठोहार की पहचान पोठोहारी एंकर तो ये सब हमारे साथ है और बहजाज जो है वो एज अ प्रोड्यूसर हमारे साथ है। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको तोप मनक्याला का वो स्टूपा जिसकी एक बहुत अलग हिस्ट्री है और वो तमाम हिस्ट्री जो है इसको स्पॉन्सर किया है इन्होंने। ठीक है चले वो मैं आपको इनसे पूछ के बताऊंगी लेकिन ये मैं तमाम इसके आपको फुटेजेस दिखाती हूँ ड्रोन फुटेजेस दिखाती हूँ तो आपको मज़ा ज़्यादा अलग आएगा। ठीक है चले अभी आप देख रहे हैं ये मैंने पूरे ड्रोन शॉट जो बनाए हैं ये इसीलिए बनाए हैं ताकि बहुत सारी चीज़ें जो अभी अनअर्थ हैं वो यहाँ पे डिस्कवर हो सके। इस तरह नाजिश स्टूपे जो है ना वो काफ़ी हैं इस एरिया में ना, उनमें एक ये है टेक्सला में भी है, इवन गिलगित जहाँ आप गई थी वहाँ भी है। एग्जैक्टली ठीक है ये स्टूपाज मुख्तलिफ एरियाज में मौजूद हैं। ठीक और इसके पीछे वो लॉजिक वही है कि वो जब वो उनका जो बुद्धा था जब वो उनका सरदार कह लें बादशाह कह लें हाँ। वो जब मरा तो उसकी जो खाक थी उसको रेलिक्स में रख के तो मुख्तलिफ एरिया में दफनाया गया और उसके ऊपर ये स्तूपा बना दिया गया। अच्छा ये वो है उसमें से एक ये भी हमारे एरिया का भी है। अब हम यहाँ से रवाना होंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अब हम बसाली जाएंगे। अब हम बसाली जाएंगे यानी एक और जो बात इस एरिया में जो है वो सिख जो थे वो बहुत ज्यादा आबाद थे इस एरिया में तो इसी तरह बसाली गाँव में लेके जा रहा हूँ वहाँ भी सिख बहुत ज़्यादा आबाद थे। कुछ निशानियाँ हैं थोड़ी बहुत ही वो भी आपको दिखाऊंगा और दिन इंशाल्लाह हम वहाँ गुजारेंगे आज। ठीक है भाई बसाली जो है वो भी एक तारीखी गांव है और वहाँ पर अब हम मज़ीद टाइम गुजारेंगे। ठीक है चलो हम यहाँ से रवाना होते हैं। भाई तोप मनक्याला से थोड़ा सा फासले पर करीब 15 किलोमीटर के फासले पर है गांव बसाली। अच्छा बसाली की ख़ास बात यह है कि बसाली वो गांव है जहां पे पार्टीशन से पहले सिखों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी यहां पे आबाद हुआ करती थी और यहां पर उनके अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो मैं दिखाना चाहूँगी। अच्छा यहाँ पर जब हम उतरे हैं ना तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दी वो थी बरगद का दरख्त और बकौल अरशद भाई के ये जो बरगद का दरख्त है ये 1000 साल इसकी उम्र है। मैं हैरान हूँ वाकई में और अब मैं इस बरगद के दरख्त को बाकायदा आपको दिखाने वाली हूँ कि इसका कितना खूबसूरत कितना गहरा साया है यार। मतलब मैं हैरान हूँ इस बरगद के दरख्त पे। चलें अब मैं आपको बरगद का दरख्त दिखाती हूँ और सिखों की मज़ीद निशानियाँ दिखाती हूँ, सिखों के पुराने मोहल्ले दिखाती हूँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे उनकी जो निशानियाँ मौजूद हैं वो हम आपको इस गांव में दिखाएंगे। ठीक है आए चले मेरे साथ। ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ ये है इसे कहते हैं पौणा।
ये सिखों की ज़बान में जो है वो जगह है जहाँ पर ख़वातीन कपड़े धोने आया करती थीं और जो है ये बनाया यहाँ पर बात लेने आया करती थीं। तो अभी थोड़े से इसका रास्ता ख़राब है, मैं यहाँ से ट्राई कर रही हूँ जाने की। ओके चले, ये देखें, ठीक है, यहाँ से ये एंट्रेंस इसका था और ये इस तरीके से दोनों तरफ आप देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर ख़वातीन जो है यहाँ पे बात लेने भी आया करती थी उस टाइम पे। तो इसको बड़ा टेक्निकली बनाया गया था। अभी जो है ना कुछ दिनों से ये इसकी प्रॉपर्ली सफाई नहीं हुई है, वरना ये गांव जो है ना बसाली के लोग इसकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं इस जगह का। और ये वो रूट है जहाँ से पानी आया करता था, ये समझ लें कि ये नदी का वो इस तरीके से स्टाइल था कि यहाँ से पानी आकर और इस तरीके से यहाँ पर पौंड में शामिल हो जाया करता था। तो ये पूरा पौंड है। अच्छा, वो जो मैं आपको ख़वातीन के स्नान की बात बता रही हूँ, वो जो वो जगह है ना वो है, ठीक है। अभी मैं उसको आपको ऊपर से दिखाऊंगी कि वहाँ पे वो थोड़ा अलग उन्होंने बनाया हुआ था ताकि ख़वातीन जो है वो उनका जो है ना वो उसका पर्दे का भी थोड़ा ख्याल रखें। और जो है यहाँ बाकी ये पूरा पौंड जो है वो जब ये साफ़ होता है, अभी थोड़ी देर पहले मुझे अरशद भाई बताए थे कि गाँव के ही लोग अपनी मदद की तहदी इसको साफ़ करते हैं। अभी तो ये शायद इसकी इतनी केयर नहीं की गई, लेकिन जब ये साफ़ होता है तो आपको बिल्कुल शफाफ हो जाता है और नीचे जो है ना पत्थर की अभी भी वो बड़ी बड़ी सिलें मौजूद हैं जिसकी वजह से जो है ना आपको महसूस होगा कि पानी यहाँ पर ठहरा अगर रहेगा भी तो यहाँ पर बड़ा अच्छा मैनेजेबल अंदाज में पानी ठहरा रह सकता है। ये देखें, मैं इस पॉन्ड की बात कर रही थी, यहाँ पे ख़वातीन के नहाने का इंतज़ाम था और यहाँ पे उन्होंने इसको बकायदा जो है ना अच्छे से प्रॉपर करके रखा हुआ था। अभी भी काफ़ी बेहतर है, अभी भी थोड़ी सी इसकी केयर की जाए ना तो ये काफ़ी बेहतर हो सकता है। यार ये बसाली का गेट में था, मेरे सीधे हाथ पे तालाब है वही जिसका मैंने अभी आपको दिखाया पूरा, और उल्टे हाथ पे खालसा स्कूल है जहाँ से जो है बड़े बड़े नाम निकले हैं और बहुत से बड़े लोग जो हैं वो यहाँ से पढ़ के निकले हैं, अब अच्छी पोजीशंस पे हैं। खालसा स्कूल की खास बात ये थी कि वो सिखों के दौर हुकूमत में जो खालसा स्कूल बने थे वहाँ पर गरीबों के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी, इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा जाता था, उनका मज़हब क्या है, लेकिन खालसा स्कूल में उनको सही फ्री एजुकेशन दी जाती थी गरीब जो लोग थे। दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये जो दरख्तों के साथ आप देख रहे हैं बरगद के जो पुराने दरख्त हैं इनके साथ जो सीढ़ियाँ हैं, ये मुझे लगता है कि उस ज़माने में यहाँ पे ना जो गांव के बड़े बूढ़े हुआ करते होंगे या मौजूदीन होंगे यहाँ पे कचहरी लगा देते। तो आज जो है हम एक बार फिर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मैसेज दें वैशाली के लोगों को भी, वैसे वैशाली के लोगों ने माशा से अब तक तो इन चीज़ों को बहुत रिजर्व करके रखा है, लेकिन आगे से दुआ ये हमारी कि ये लोग सेंस ऑफ ओनरशिप को मज़ीद मजबूत करें और यहाँ पर जो है अपनी मदद आपके तहत कुछ काम कर सकें तो ये एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। तो जो है अब इसकी बात हम जा रहे हैं अर्शद भाई के साथ आगे, अर्शद भाई यहाँ टहल रहे हैं, इनके साथ हम जा रहे हैं आगे। अर्शद भाई घंटे से टहल टहल के मुझे देख रहे थे कब ख़त्म होगा, चले अर्शद भाई हम दूसरी जगह जा रहे हैं। वैशाली में सिखों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद थी कि यहाँ पर और वहाँ यहाँ पर टाउन प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक जगह पर नहीं उन्होंने काफ़ी जगहों पर जो है ना वो पॉन्ड्स बनाए हुए थे। और ये ख़ास बात है कि हर पॉन्ड के पास ही इस किस्म के बरगद के दरख्त मौजूद थे, यहाँ पर पूरी जगह मौजूद है जहाँ पर बैठा करते होंगे उस वक्त लोग। और अभी भी मैंने सुना है कि गाँव के बड़े जो है यहाँ बैठा करते हैं, टाइम गुजारा करते हैं शाम में। इसके अलावा आप देख रहे हैं सामने भी एक बहुत पुराना बरगद का दरख्त नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर पूरा पौंड है। यहाँ पर जगह जगह पे जो सिख हैं उन्होंने हर आबादी के हिसाब से जो है ना वो पौंड बनाए हुए थे ताकि लोगों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और उनकी ख़वातीन को ये फैसिलिटी हो कि वो कहीं करीब में ही जो है वो उनके नहाने का और कपड़े धोने का जो है वो बंदोबस्त हो। ठीक है,
तो प्लेट लगी है। तो ये उस जमाने के कुएं हैं। जो आज भी जिसमें पानी मौजूद है, ये बड़ी बात है यार। इस ये कुएं मौजूद हैं। अब मैं आपको अंदर जो तख्ती लगी ना उसको थोड़ा सा करीब करके दिखाती हूँ। इसी पॉइंट की दूसरी तरफ से हम अगर चलें तो यहाँ सामने हमें दरगाह मिलेगी। आए चले दरगाह की तरफ चलते हैं। ये है यहाँ पर दरगाह। ये जो है ये छोटी सी दरगाह है और यहाँ पर जाने का रास्ता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है वो एक कब्रिस्तान है और ये जो है वो अंदर साहिब कब्र मौजूद है। जिस दौरान में हम लोग जो है यहाँ पे दरगाह बनाए थे, उस दौरान मलिक साहब जो है उन्होंने बैठक जमा ली उसी तरीके से जिस तरह दरख्तों के नीचे बैठा करते थे। तो अब अरशद भाई जो हैं वो अलग बैठे हुए हैं और वहाँ पे मलिक साहब जो हैं वो अलग बैठे हुए हैं। भाई यहाँ पर सब लोग लगे हुए हैं और यहाँ पर पहली बात तो ये कि हमारे मुझे मलिक भाई हैं वो लग गए, उन्होंने अपनी पूरी तारीख और यहाँ की पूरी तारीख के मुताबिक बात की। अब अरशद भाई जो हैं वो बात कर रहे हैं, अपने बचपन के मुताबिक बता रहे हैं। फोटो हारी जबान है, मुझे शुरू में लग रहा था कि थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आप सुने ही ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ही मीठी और बहुत ही प्यारी जबान है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाती है। तो हम जो है वो यही देख रहे हैं कि ये सारी कचहरी लगा के सब बैठे हुए और अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। अभी तो ये लोग कचहरी लगा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आगे जा रही हूँ, ठीक है आ जाएं जरा, फिर इनका वेट कर लेंगे पीछे कि ये लोग जो है इनको ये हमें फॉलो कर लेंगे, ठीक है। इस खूबसूरत गांव बसाली में सिखों के बनाए हुए तकरीबन 100 साल पुराने कुएं भी मौजूद हैं, जबकि गांव के पुरफजा मकाम में मतलब क्या सीनरी, इसकी तो बात ही अलग है। लेकिन वक्त की कमी और इसकी वजह से हमें वापस आने के लिए भी निकलना था। भाई यहां से मैं और अरशद भाई बसाली को कहेंगे अब अल्लाह हाफिज़, क्योंकि बसाली के जितने भी बहुत देखिए, वैसे तो बसाली में जा बजा जो है वो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो बहुत ज्यादा है, अभी कई छोड़ दिए हमने, हाँ। टाइम नहीं था। बात सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे सिखों के पॉइंट्स मौजूद हैं, यहाँ पे दरख्तों की भी एक हिस्ट्री है। यहाँ पर जो तालाब हैं सिखों ने जो बनाए हैं उनकी भी एक हिस्ट्री है, यहाँ पर घरों की भी एक हिस्ट्री है और यहाँ पे मुस्लिम्स की भी हिस्ट्री है। हाँ यहाँ पे मुगल्स की भी हिस्ट्री मुगल्स की भी हिस्ट्री है। यहाँ पे मुगल्स की भी हिस्ट्री है। मुगल की हिस्ट्री हम इसलिए बात करें कि हमारा भाई मुगल है, तो इसलिए मुगलों के ऊपर जो है मुझे अरशद भाई ने बहुत डिटेल एक ब्रीफ दिया है, उसके ऊपर हम एक बहुत ही डिटेल में एक व्लॉग बनाएंगे। लेकिन वो हम जाएंगे बलूचिस्तान, जिनका लिंक मुझे दिया है। यस यस बिल्कुल। तो बलूचिस्तान चूंकि मेरा दूसरा घर भी है, मैं बलूचिस्तान को अपना दूसरा घर भी मानती हूँ, तो बलूचिस्तान से अब हम जो मुगलों की हिस्ट्री है उसको लेकर हम एक नया व्लॉग बनाएंगे ताकि आपको कुछ नया देखने को मिले। बसाली से हम कर रहे हैं अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल जी, आप नहीं वैसे दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अभी जितनी हरियाली है ना यहाँ पर देख के उसको वाकई में दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। देखिए जो मुर्गाबियाँ और परिंदे वो अभी आना शुरू हुए हैं ना, हाँ, शाम के वक्त, लेकिन अब हमारे जाने का वक्त हो गया उनके आने के साथ। तो हम यहाँ से कहेंगे अल्लाह हाफिज़, क्योंकि हमें जाना है, अब मूव करना है पिंडी, क्यों हम सुबह से निकले हुए थे जी, तो अब हम पिंडी वापस जा रहे हैं अपनी धावज के पास। इजाजत लें, बिल्कुल चले भाई, टिल आवर नेक्स्ट व्लॉग, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।